मोटोरोला की तरफ से इंडिया में दो नए स्मार्टफोन को लॉन्च किया जाने वाला है 17 अगस्त को। ये दोनों ही फ़ोन काफ़ी कमाल के फीचर्स के साथ लॉन्च होने वाले हैं। ऐसा लगता है रियलमी, शाओमी और वन प्लस जो मार्केट में कब्जा जमाए हुए हैं ना, उनको काफ़ी ज़्यादा टक्कर मिलने वाली है इस बार मोटोरोला की तरफ से, क्योंकि दोनों ही फ़ोन में आपको काफ़ी ज़बरदस्त फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। एक का नाम है मोटोरोला एज 20 और दूसरे का नाम है मोटोरोला एज 20 फ्यूज़न। और मोटोरोला एज 20 जो है दोस्तों, इंडिया का पहला फ़ोन होगा जहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन का 778G का चिपसेट देखने को मिलेगा। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना के रखी है, तो आप हमारे चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको इस फ़ोन की एक्सपेक्टेड प्राइस बताऊंगा, बाकी क्या क्या फीचर्स आपको इस फ़ोन में देखने को मिलने वाले हैं वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले डिज़ाइन की तरफ देखते हैं, तो काफ़ी अट्रैक्टिव डिज़ाइन के साथ ये आता है दोस्तों। हमेशा हम देखते हैं कि मोटोरोला का जो डिज़ाइन होता है ना पीछे का, वो उतना खूबसूरत नहीं होता है, लेकिन मुझे इसका डिज़ाइन काफ़ी अट्रैक्टिव लगा, और खास करके जो इसका कैमरा मॉड्यूल है वो भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। मुझे लगता है ये काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है आईफोन 12 और 11 सीरीज से, जो कैमरा मॉड्यूल है उसका। पीछे की तरफ आपको पॉलीकार्बोनेट बॉडी देखने को मिलेगी। डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन की डिस्प्ले काफ़ी खास होने वाली है। इसमें आपको 6.67 इंच का एक फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। सिंगल पंच होल देखने को मिल जाएगा आपको, और साथ ही साथ गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाएगी। और जो डिस्प्ले है दोस्तों, इसमें आपको 90Hz का पैनल देखने को मिलेगा, 90Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। और एक खास बात यह भी है कि इसमें 10-bit का डिस्प्ले इस्तेमाल किया गया है दोस्तों, यानी लगभग आपको 1 billion कलर्स में देखने को मिल जाएंगे। जो नॉर्मल 8-bit के डिस्प्ले होते हैं दोस्तों, उनसे काफ़ी ज़्यादा कलर आपको देखने को मिलेंगे इसमें, यानी जो कलर वगैरह डिस्प्ले में होगी दोस्तों, वो काफ़ी अच्छी रहने वाली है इस फ़ोन की। परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फोन में मिलने वाला है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 800U का चिपसेट, और ये 5G को तो सपोर्ट करता ही है। इसमें आपको 13 5G बैंड्स देखने को मिल जाएंगे, और इसमें जो GPU है वो है माली G57 MC3 का GPU। यहाँ पे आपको सिंगल वेरिएंट देखने को मिल सकता है 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ में। कैमरास के ऊपर बात करें तो पीछे आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलेगा। 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर होने वाला है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर आपको देखने को मिल जाएगा। सेल्फी के लिए 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होने वाला है। तो कैमरास ओवरऑल इस फोन के 6 होने वाले हैं। 5000mAh की बैटरी के साथ ये फोन आएगा। 30W का फास्ट चार्जिंग आपको इस फोन में देखने को मिल जाएगा। ये फोन एंड्रॉइड 11 के साथ आने वाला है, और नियरली आपको स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है। कोई भी ब्लॉटवेयर आपको देखने को नहीं मिलेगा, 8-free UI आपको देखने को मिलेगा। अच्छी बात यह है कि 3.5mm ऑडियो जैक भी आपको इस फोन में देखने को मिल जाएगा। बाकी सभी बेसिक सेंसर्स देखने को मिल जाएगा इस फोन में। अब सारे स्पेसिफिकेशंस अगर देखा जाए तो काफ़ी प्रॉमिसिंग फ़ोन लगता है। प्राइस एग्जैक्टली तो अभी तक कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो ऐसा बोला जा रहा है कि 17,000 से 22,000 के बीच में हो सकती है। ज़्यादातर चांसेस है दोस्तों कि ये जो फ़ोन है 19,999 रुपये या फिर 20,999 रुपये से शुरू हो सकती है। और मुझे लगता है अगर इस प्राइस में लॉन्च होता है तो काफ़ी एक अच्छा धमाकेदार फ़ोन होगा ये। बाकी दोस्तों आपका क्या राय है इस फ़ोन को लेके, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय करें।